हेलो स्टूडेंट्स हम अपना चैप्टर नंबर अ मैग्नेट जो है वो पढ़ रहे थे जिसमें हमने लास्ट वीडियो में फाइंडिंग डायरेक्शन तक जो है वो अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आगे हमारे पास क्वेश्चन हुआ था कि क्या हम ऐसी कोई चीज बना सकते हैं जिससे हमें डायरेक्शन का पता लग सके तो उसके लिए है एक्टिविटी फाइव टेक अ बार मैग्नेट पुट अ मार्क ऑन इट्स वन एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन

जो मैग्नेट है उसके साथ थ्रेड लगा देना है ताकि ये जो है वो सस्पेंडेड कर सके उसको सस्पेंड लटका देना है ताकि ये रोटेट फ्रीली कर सके फिर अब ये एक ये आ गया इसका एंड एक आ गया इसका ये एंड तो इसका पोजीशन नाप करके आपने जो है वो ग्राउंड पे क्या करना है मार्क लगा लेने है कि इसके जो दोनों प्वाइंट है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट दिस लाइन शो द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट फिर उन पॉइंट्स को आपने जोर देना है जो हमें बताएगा मैग्नेट की डायरेक्शन के बारे में ठीक है कि रेस्ट पे जब मैग्नेट था वो किस पोजीशन में रेस्ट कर रहा था नाउ रोटेट द मैग्नेट वाई जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट फिर आपने क्या करना है मैग्नेट को फिर से रोटेट करना है एक डायरेक्शन में उसके एक एंड से और उसको फिर से रेस्ट पे आने देना है अगेन मार्क द पोजिशन ऑफ टू एंड इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट फिर से आपने उसकी पोजिशन को मार्क करना है डज द मैग्नेट नउ प्वाइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन तो क्या अब मैग्नेट की जो डायरेक्शन थी वो अलग थी रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम टू रेस्ट दोबारा आपने मैग्नेट को रोटेट करना है और उसकी जो है वो फाइनल डायरेक्शन आपने नोट करनी है कि जब वो रेस्ट पे आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो कौन सी रह रही है डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन सेम डायरेक्शन क्या आपने ये पाया कि जो मैग्नेट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जो है वो रेस्ट कर रहा है नाउ कैन यू गैस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टेच्यू इन एम्प्रस चैरियट क्या आपने अब अनुमान लगाया कि जो Emperor का जो चैरियर था उसमें स्टेच्यू में क्या मिस्ट्री थी मतलब जब वो रेस्ट पे रह रहा था वो एक ही पोजिशन में रह रहा था रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार और अ प्लास्टिक और अ वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ अ मैगनेट फिर आपने ये जो एक्टिविटी पहले की इसको एक आयरन बार प्लास्टिक या वुडन स्केल के साथ करना है मतलब मैग्नेट का यूज आपने नहीं करना है डू नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट फॉर दिस एक्टिविटी एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर देयर आर क्रंट्स ऑफ एयर कि आपने इस एक्टिविटी को करने के लिए हल्के ऑब्जेक्ट्स नहीं लेने हैं और ना ही आपने इस जगह पे ये परफॉर्म करनी है जहां पे क्या हो हवा तेज हो क्योंकि उससे जो मैग्नेट है वो अपनी पोजीशन से सॉरी जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स लिए है वो अपनी तरह से अपनी जो जगह है वहां से हिल जाएगा डू अदर मटेरियल आल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन क्या जो बाकी मटेरियल्स हैं वो भी सेम डायरेक्शन में रेस्ट पे आ रहे हैं वी फाइंड दैट फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कि हमने पाया कि जब हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड लटका रहे हैं और जब वो रेस्ट पे आ रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है वो है विच इज दॉर्थ साउथ डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east where yeah, you are doing this uh, experiment इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट बट इट विल हेल्प टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ ऑन योर लाइन एक डायरेक्शन का जब हमें पता लग जाएगा तो बाकी डायरेक्शन का जो है वो हम पता लगा सकते हैं यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ एंड विच इज टू ऑर द साउथ द एंड ऑफ अ मैगनेट दैट पॉइंट टू वॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ मैगनेट एंड द अदर एंड दैट पॉइंट टू व साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल ऑफ मैगनेट मैगनेट में टू पोल्स है साउथ और नॉर्थ जो नॉर्थ की तरफ है वो नॉर्थ सीकिंग या नॉर्थ पोल है और जो साउथ की तरफ है वो है साउथ सीकिंग और साउथ पोल

सालों साल जो ट्रैवलर्स थे वो मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी का यूज करते थे डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इट इज सेड दैट इन ओल्डन डेज ट्रैवलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट विद अ थ्रेड विच दे ऑलवेज कैरिड विद द डैम के ऐसा कहा जाता है कि पहले के दिनों में जो ट्रैवलर हैं वो सस्पेंड करके लटका करके जो है वो मैग्नेट जो नेचुरल मैग्नेट है मैग्नेटाइट का यूज करके उसको थ्रेड से बांध के क्या करते थे डायरेक्शन का फाइंड आउट करते थे कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है या अगर किसी प्लेस को उन्हें फाइंड आउट करना है कि वो किस डायरेक्शन में है तो वो मैग्नेट को सस्पेंड करके जो है वो डायरेक्शन का पता लगा लेते थे लेटर ऑन अ डिवाइस वॉज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट फिर प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की जो जो प्रॉपर्टी है कौन सी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने वाली तो बाद में एक डिवाइस जो है वो बनाई गई जिसको नाम दिया गया कंपास अ कंपास इज यूजली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट ये आप देख सकते हैं ये कंपास है ये क्या है एक छोटा सा बॉक्स है जिसपे ग्लास का कवर शीशे का कवर जो है वो लगा हुआ है अ मैगनेटाइज नीडल इज पिवटेड इन साइड द बॉक्स बीच में एक मैग्नेटाइज नीडल है विच कैन रोटेट फ्रीली जो रोटेट कर सकती है द कंपास ऑल्सो हैज अ डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन एट फिर इसमें जो है वो डायल है ये आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्शन साउथ हीस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट है ईस्ट है तो इसमें जो है वो डायरेक्शन जो है वो मार्क की गई है द कम्पास इज कैप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन फिर उस कम्पास को उस प्लेस पे हम रख देते हैं रख सकते हैं जिस प्लेस की हमने डायरेक्शन जो है वो पता लगानी है इट्स नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वेन इट कम टू रेस्ट मतलब कोई भी हमारे पास मैग्नेट है जब वो रेस्ट में है तो वो पोजीशन कौन सी बताएगा हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम मैग्नेट को रखते हैं तो वो किस डायरेक्शन में रेस्ट करता है तो इट शोज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन द कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्कड ऑन द डायल आर एट द टू एंड ऑफ द नीडल तो कंप्रेस को, को हम पहले जो कंपास है उसको हम रोटेट करेंगे और उसके जो हमारे पास नीडल है उसका एक पोल जो है वो नॉर्थ पे होना चाहिए एक साउथ पे होना चाहिए टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ अ पेंटेड इन डिफरेंट कलर जो इसके पोल्स हैं, वो अलग अलग कलर में जो वो पेंटर है वो पेंट किए गए हैं ताकि दूर से जो है वो हमें पता लग जाए कि कौन सी डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है मेक योर ओन मैग्नेट तो ये हम अपने प्रोसीड करेंगे इस एक्टिविटी को आप कर भी सकते हैं बहुत इजी है जस्ट आपने क्या करना है एक मैग्नेट लेना है उसको सस्पेंड करना है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है कि किस डायरेक्शन में ये रेस्ट कर रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों डायरेक्शन का जो है वो आपको पता लग जाएगा अगर एक भी डायरेक्शन नॉर्थ का पता लग जाता है साउथ वेस्ट और ईस्ट तो ऑटोमेटिकली बाकी जो हमारे पास इसकी डायरेक्शंस है उसका पता लग जाएगा ठीक है तो यहाँ तक आपने जो ये अपना जो लेसन है ये कंप्लीट कर लेना है बाकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू